देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। प्रदेश सरकार की जनहित में चलाई जा रही विकास कार्य और अन्य योजनाओं का निरीक्षण किया गया। सचिव भुवनेश कुमार ने पहला निरीक्षण बिजनौर करने जिला अस्पताल पहुंचे और जनहित में चल रही स्वास्थ्य योजनाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान डीएमओ, स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ भी सचिव के साथ मौजूद रहे। सचिव ने पूरे अस्पताल में घूमकर मरीजों से स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली और वहां पर डॉक्टरों को इलाज में लापरवाही न बरतने के दिशा निर्देश दिए। सचिव भुवनेश कुमार ने अस्पताल में मरीजों को दी जा रही अच्छी चिकित्सा सुविधाओं को देखते हुए अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों की प्रशंसा की, साथ ही अस्पताल के सीएमएस सुखवीर सिंह के कार्य की प्रशंसा भी की। सचिव ने अस्पताल में रखी दस्तावेजों का निरीक्षण किया और सफाई व्यवस्था को लेकर अस्पताल की हर जगह पहुंचकर सफाई का जायजा लिया। अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाने पर सचिव ने सीएमएस समेत स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ की तारीफ की और स्वास्थ्य विभाग में कोई भी लापरवाही न बरतने के दिशा निर्देश दिए। शासन की विकास प्राथमिकताओं की धरातल पर क्रियान्वयन की जानकारी करने की व्यवस्था के तहत मेरे द्वारा आज जनपद बिजनौर का भ्रमण किया जा रहा है, जो कल भी जारी रहेगा। और इसी कड़ी में सबसे पहले आज जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, ये देखने के लिए कि सरकार द्वारा जितनी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है वो वास्तव में लोगों को मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। तो मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अस्पताल बिजनौर में काफ़ी मेहनत के साथ में यहाँ अधिकारी काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं। कम संख्या होने के बावजूद भी निरंतर ये प्रयास है कि जो भी मरीज यहाँ आए उनका इलाज ठीक प्रकार से हो। बहुत बड़ी संख्या में मरीज यहाँ आते हैं, लगभग 1200 की ओपीडी नई ओपीडी है, यानी कि प्रतिदिन लगभग 1200 नए मरीज यहाँ आ रहे हैं। एक महीने में 30,000 के ज़्यादा नए मरीज आते हैं और लगभग इतने ही पुराने। तो ये समझिए कि 60,000-65,000 मरीज जो है वो एक महीने में यहाँ दिखाने के लिए आते हैं और 262 प्रकार की दवाइयाँ उनका वितरण यहाँ से किया जाता है और केवल 19 डॉक्टर अवेलेबल हैं और ऑपरेशंस भी करते हैं, उनको चेक भी करते हैं, उनको दवाई भी देते हैं, उनका बाकी इलाज भी देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेहनत से किया जा रहा प्रयास है। सर, काफ़ी संतुष्ट हूँ यहाँ से। मूलभूत सेवाओं का भी लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है, रेबीज के इंजेक्शन जो है रोज खत्म हो जाते हैं और कुत्ते काटने वाले जो मरीज आते हैं वो। साथ ही सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग में चलाई जा रही सभी योजनाओं को नियमित रूप से चलाने के दिशा निर्देश भी दिए। बिजनौर से संवाददाता सलीम अहमद की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।